हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ राजन सीरीज से। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों, दिया है पहला प्रश्न दिया है, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान होगा, यक्स का मान बताना है। विकल्प अ 4 दिया है, विकल्प ब 5 दिया है, विकल्प स 8 दिया, विकल्प द 1 दिया है। BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि यक्स पे बार इज इक्वल टू होता है क्या सिग्मा, क्या यक्स अपान क्या होता है n होता है। यहाँ पे सिग्मा यक्स का मतलब होता है कि प्यारे साथियों, जितने भी संख्या उनका योग है, n मतलब कुल कितने पद हैं उनसे भाग दीजिए इनके। तो समांतर माध्य चूंकि 3 दिया है तो लिखेंगे यानी कि 3 बराबर कुल कितने पद हैं हमारे पास, 1, 2, 3 पद हैं। तो 2 + 3 + यक्स बटे में होगा प्यारे साथियों n का वैल्यू क्या, n के जगह क्या रखेंगे, कौ पद है 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 3 लिख देंगे। समझ में आया, हिंदी में समझ लीजिए कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बिल्कुल आपको पता है। अब पक्षांतर का नियम लगा दीजिए, 3 यहाँ है ना, 3 इसको इधर भेजेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 9 बराबर 3, 2, 5 प्लस यक्स हो गया। तो यक्स बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, तो यक्स बराबर होगा हमारा क्या, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे यानी कि 9 - 5 यानी कि यक्स की राइट यानी यक्स का राइट मान हो जाएगा प्यारे साथियों 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा अ। यह रहा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप प्यार चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, जो BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 2 - x - 1 + 3 - x - 1 का मान होगा, यानी कि मान बताना है प्यारे साथियों कि इसका मान क्या होगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा गौर देखिएगा, टेक्निक से सॉल्व करेंगे सीखेंगे ताकि सवाल को आप यूँ चुटकियों में बना सकें। क्या दिया गया है, दिया है 2 - x - 1 + 3 - 1 - x। देखिए 1 - x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी देखिए 2 - x - 1 देखिए प्लस 3 - इसको लिख सकते हैं -x + 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस एक्स को आगे एक को पीछे किया कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से माइनस कॉमन उठा के यहाँ पर रख दीजिए, यानी हो जाएगा 2 - x - 1 - को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 इसको लिख सकते हैं x - 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया माइनस इसके यहाँ पे कॉमन किया गया है। तो अब देखिए हर बराबर हो गया बिल्कुल हो गया, तो हम इसको प्यारे साथियों अंश को जोड़ या घटा सकते हैं चिन्ह के अनुरूप। तो इसको लिखेंगे 2 - 3 / क्या हो जाएगा x - 1। अब 2 में से यानी कि इसको घटा दीजिए, यानी 2 में से 3 को घटाइए, घटेगा नहीं तो 3 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि -1 - x - 1 इज राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, विकल्प नंबर देखिए द इसका राइट आंसर हो गया। देखिए कितने ही आसानी से इस सवाल को हम लोगों ने बनाया, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करके बना देंगे। तो प्यारे साथियों, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। क्या है प्रश्न नंबर 4, थोड़ा गौर से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है प्यारे साथियों, 3/4² - 3/4 / 10 / 3/4 / 8 का मान है, इसका मान क्या है, ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, इसको आइए अब हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, प्रश्न बड़ा बेहद आसान है, बसरते आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी लिखेंगे हम 3/4 / 2 / 3/4 /
पावर कितना दिया है 10 भागा हो जाएगा 3/4 पे पावर कितना है प्रतिशत 8 दिया गया है। तो आपको पता होगा कि हम वोट मास के नियम पे लेके चलेंगे, काको पहले काती है तापी छे तो भाग और गुड़ा करो धन जोड़ के अपनी को दियो घटा, पहले हम भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो प्यार साथियों हम जानते हैं फार्मूला, जब ए पे पावर एन भागा, अगर ए पे पावर एम होता है तो क्या करते हैं ए पे एन माइनस एम कर देते, पावर को क्या करते हैं हटा देते हैं। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 पे 2 गुड़े यहाँ पे हो जाएगा 3/4 पे पावर 10-8। अब इसको यहाँ सॉल्व हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा प्यारे साथियों 3/4 पे पावर 2 इंटू 3/4 पे पावर कितना हो जाएगा 2। 10 में से यहाँ देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। अब गुड़ा के कंडीशन में क्या होता है, आधार बराबर होगा तो गुड़ा के कंडीशन में पावर को जोड़ लेते हैं, यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों 3/4 पे पावर हो जाएगा 4। अब 3/4 का मान कितना होता है, इसका मान हो जाएगा 3/4 लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे प्यारे साथियों 4 बार लिखेंगे। तो गुड़ा करेंगे तो 3×29=81 हो जाएगा प्यारे साथियों 256 इसका राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे, यानी विकल्प नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए प्यारे साथियों हम नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 को लेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 को करा दिया गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं, गलती से प्रश्न नंबर 4 लग गया, आइए पहले 3 को हम लोग देखते हैं। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। ध्यान से समझिएगा, मध्य पदों का गुणनफल दिया है 36, यहाँ पे दे दिया गया है मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू कितना प्यारे साथियों 36 दिया है। यहाँ पे देखिए अब बाह्य पद एक दे दिया, तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यह होता है फार्मूला। तो बाह्य पद में 2 पद होंगे, एक पद दे दिया है, तो मान लीजिए कि क्या कि कौन दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद को क्या मान लेते हैं यक्ष मान लेते हैं, तो हो जाएगा कि यक्ष गुणे 3 बराबर कितना दिया है 36। मान लीजिए दूसरा बाह्य पद पूछा, दूसरा बाह्य पद होगा यक्ष होगा, यक्ष गुणे 3 बराबर 36, तो 3 से इसको 36 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 12। यह बड़ा हलवा सवाल एक नंबर में पूछेगा, तो आप ये चुटकी में बना सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। समानुपात का कंसेप्ट होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, से आराम से रखेंगे आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर 100 राइट आंसर। यह रहा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेंगे प्रश्न नंबर 5 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है, क्या प्रश्न नंबर 5 है, देखिए किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुना होती है, यानी किसान पत्र में लगाई गई राशि दोगुना कब तक होती है। तो प्यारे साथियों यह 10 वर्षों में क्या होती है, दोगुना होती है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको आप जब थ्योरी पढ़ाएंगे हम उसमें आप बताएंगे आप लोगों को, तब इसको आपको याद करना है। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा 10 वर्षों में। अब प्यारे साथियों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है अर्धवार्षिक, यानी कि एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 होते हैं, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यार चाहती हूँ हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। कंसेप्ट पे विशेष ध्यान दीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। प्यारे साथियों जब इस तरह से कोई प्रश्न आता है कितने वर्षों में, देखिए क्या कोई धन किस ब्याज की दर से, यानी कि रेट आपको निकालना है कि आर कितना होगा, यही निकालना है। टाइम हमको पता है प्यारे साथियों क्या कि 12 वर्ष पता है ना, 12 वर्ष पता है,
दो गुना हो जाएगा, अपने का क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा क्या होता है इसमें। इसके लिए ट्रिक होता है जो दुनी गुना होता है, दो गुना का है ना, तो दो लिख दीजिए, दो में से एक हटा दीजिए, इसमें गुणा कीजिए कैसे, सौ से गुणा करेंगे, सौ से गुणा करेंगे। अब देखिए तीस से भाग देते हैं यानी कि बारह से भाग देंगे प्यारे साथियों तो आर का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि फार्मूला होता है क्या, एन माइनस वन इंटू हंड्रेड पे हंड्रेड अपान टाइम, तो क्या निकलता है प्यारे साथियों, रेट निकलता है फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूले पे इसको रख दीजिए। यानी एक हटाना, सौ हटाना, टी से भाग तो आर का मान निकलेगा, आर से भाग कर देंगे तो टी का मान निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों हो जाएगा क्या, या थोड़ा समझ लीजिए, लगाएंगे दो में से एक किया, एक बचा एक गुड़े सौ बटे कितना हो जाएगा बारह, बारह हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब काटिए किससे कटेगा, चार तियाई बारह, चार से इसको काटेंगे तो पच्चीस चौक को सौ हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि पच्चीस बटे तीन प्रतिशत, या इसको कह सकते हैं बारह सही एक बारह कितना हो जाएगा चार, यानी कि चार सही, यानी कि चार सही हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों 25 बटे 3 प्रतिशत आया, 25 बटे 3 प्रतिशत को लिख सकते हैं हम कितना, गौर से देखिएगा, लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, ये क्या होगा आंसर दिया। लेकिन विकल्प भी प्यारे साथियों गलत दे दिया है, केवल 8 दिया है, तो इसलिए यानी कि विकल्प नंबर 100 ही राइट आंसर होगा, लेकिन इसके जगह प्यारे साथियों होगा कि 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत, तभी हमारा क्या होगा सवाल सही होगा, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा प्यारे साथियों। यानी प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 8 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है प्यारे साथियों, तो इसको गौर से देखिएगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा चार महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया, एक पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज से ब्याज है, क्या होगा ब्याज दर से ब्याज क्या होगा। तो प्यारे साथियों थोड़ा पे गौर भी कीजिए, 50 रुपया है, एक पैसा प्रति रुपया की दर से लग रहा है एक महीने का, यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों एक महीना में एक रुपया पर एक पैसा ब्याज मिलता है, ध्यान से सीखिएगा सुनिएगा, एक महीना का एक रुपये पर ध्यान दीजिएगा एक पैसा ब्याज मिल रहा है। तो आप बताइए चार महीना पे, चार महीना के लिए अगर एक रुपये का हम ब्याज की बात करते हैं तो को पैसा हो जाएगा, चार पैसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बताइएगा चार पैसा होगा, पक्का चार पैसा होगा, समझ में आया। यानी चार महीने के लिए, चार महीने के लिए अगर एक रुपया दे रहे हैं तो एक महीने का एक पैसा, दूसरा महीने का दो पैसा, तीसरा महीने का तीन पैसा हो जाएगा, चौथे महीने में चार पैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हमारे पास रुपया कितना है, 50 रुपये का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे चार पैसा में हम 50 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 50 का गुणा तो 5 चौक को 20 यानी कि 200 पैसा, और 200 पैसा को जब हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 2 रुपया, एकदम हम आराम से बात कर सकते हैं विकल्प नंबर 100 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए चार महीने के लिए ले रहा है 50 रुपया, कहा है कि एक रुपये पर हम एक पैसा लेंगे ब्याज, एक रुपये एक महीना का एक रुपये पर एक रुपया एक पैसा ब्याज, तो बताइए चार महीने के लिए लिया 50 रुपया, 50 रुपया लिया एक रुपये पे एक रुपये एक पैसा ब्याज, तो चार महीने के लिए 50 रुपये पे एक पैसा ब्याज पर कितना हो जाएगा 200 पैसा, 200 पैसा को 2 रुपये में कन्वर्ट करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों की प्रश्न नंबर 8 आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, तो 1000 रुपये का 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, आप लोग यही छुट्टियों में बना सकते हैं। पी बराबर दिया है कितना हमारे पास, जो जो जानकारी दिया उसको लिख दिए 1000, आर बराबर रेट कितना दिया है 10 प्रतिशत, अब देखिए टाइम बराबर कितना दिया है 2 वर्ष। तो पहले प्यारे साथियों हम निकालते हैं क्या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज प्यारे साथियों कैसे निकलेगा, उसके लिए फार्मूला होता है कि सी आई बराबर क्या ए माइनस पी, और चूँकि ए का मान है प्यारे साथियों क्या पी इंटू ब्रेकेट लगाएंगे इंटू वन प्लस आर अपान हंड्रेड पे पावर कितना एन माइनस पी होता है।
आप जानते हैं फार्मूला। तो अब देखिए P का मान कितना है उसको हम लिखेंगे, R की जगह R का मान, N की जगह N का मान पुट करेंगे। आइए मान को पुट करते हैं। तो प्यारे साथियों P की जगह कितना रखेंगे, 1000 लिखा हमने, 1 प्लस R का मान कितना है 10 बटे कितना 100 पे पावर कितना प्यारे साथियों 2 माइनस 10000 करेंगे 1000। अब देखिए गौर से हमारा क्या मिला, 1000 देखिए 10 से 10 कटा, 10 करने 10 की 11 है, यानी कि हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 माइनस 1000। देखिए 10 से 10 दो जीरो इधर कट गया, 11 × 121 यानी कि बना हमारे पास कि 12/10 माइनस 1000। अब कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा 210। तो प्यारे साथियों क्या निकला, हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो मिला हमको 210 रुपया। अब निकालेंगे हम क्या, साधारण ब्याज। अब आइए अब निकालते हैं साधारण ब्याज। यह अपने कॉपी में इतना नोट कर लीजिए कि 210 रुपया जो आया है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब निकालेंगे प्यारे साथियों साधारण ब्याज। तो प्यारे साथियों टाइम इसके लिए भी 2 वर्ष सेम पैटर्न रहेगा। तो अब इसके लिए हम SI निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है P×R×T टाइम अपान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 100 हो जाएगा। अब इसके लिए करेंगे तो P का मान कितना है 1000 गुणे R का मान कितना है 10 गुणे टाइम कितना है 2 अपान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 100। ध्यान दीजिए 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 200 रुपया। देखिए साधारण ब्याज हमको मिला है प्यारे साथियों 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 210 रुपया। तो आप अंतर यूं चुटकी में बना सकते हैं कि अंतर कितने का होगा। तो अंतर प्यारे साथियों लिखेंगे कि CI - SI, तो CI निकला है 210 रुपया। अब देखिए माइनस 200, अब हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 100 इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों यह DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, यानी कि राजन सर सीरीज से चला रहे हैं। तो प्यारे साथियों राजन सर सीरीज गणित के सभी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, 100 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है प्यारे साथियों। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको हम ही चुटकी में चाहें तो बना सकते हैं, बताते हैं आपको सूत्र याद रखना चाहिए। तो प्यारे साथियों होता है CI = A - P, और A का मान प्यारे साथियों क्या होता है, A = P(1+R/100)^100 क्या होता है n, और माइनस पी है ये है, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ से देखते हैं प्यारे साथियों गौर से देखिएगा, P का मान कितना है 10, ब्रैकेट लगाएंगे 1/10 कितना हो जाएगा 100 इंटू पावर लगेगा कितना 1 वह, तो 1 माइनस कितना कर लीजिएगा 100 कर लेंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 क्या होगा कट गया, यानी कि 100 × 10 = 11 कितना हो जाएगा 10 माइनस 100 हो जाएगा प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा यहाँ पे। अब प्यारे साथियों 0 से 0 क्या होगा खलास हो गया, 11 में कितना हो जाएगा 110 माइनस कितना 100, अब इसको घटाएंगे प्यारे साथियों हो जाएगा 10 रुपया राइट आंसर। तो विकल्प नंबर 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हम लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल होगा। तो उनका योगफल होता है प्यारे साथियों क्या, डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, योगफल के लिए प्यारे साथियों क्या कीजिए, हम करेंगे क्या, माध्य में अकुल संख्या से गुणा कराएंगे, यानी कि 13 × 9, तो 13 × 9 कीजिएगा तो 13 × 9 = 117 राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर अ। कैसे योगफल बराबर 13 × 9 होगा, तो प्यारे साथियों प्रेक्षणों का माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों की योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो अगर प्रेक्षणों की संख्या में अब माध्य से गुणा कराते हैं तो योगफल प्राप्त होता है, योग यानी कि योग प्यारे साथियों होता है क्या, n × x पे बार।
तो हम प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 को इसी के बाद हम लगा लेंगे। अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी का जब हम विस्तार से लेक्चर देंगे तो उसमें टोटल सवाल को सवाल से यानी उदाहरण से और बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों को थ्योरी को हम कवर कराएंगे। लेकिन आप लोग इतना तो जानते हैं कि प्रेक्षणों का माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों में जो संख्या दी उनका योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। यार आप ऐसे प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 12 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है, जानेंगे तभी सवाल कर सकते। 10 प्राकृतिक संख्या के बाद में कहा, तो यानी 10 प्राकृतिक संख्या क्या, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर हम जानते हैं कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि 1 ^(2) ^(3) ^(...), यानी ^(10) तक की संख्या को जोड़ेंगे अब बटे 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 से 10 तक के संख्याओं को जोड़िएगा तो आंसर आएगा 55, अब बटे कर देंगे 10, 55 में 10 से भाग तो 5.5, इसका राइट आंसर है। माध्य बराबर आपको पता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन, जो विकल्प नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 को।